हमारी कंपनी में मुख्तलिफ शिल्पों के लोग काम करते हैं, क्या हम उनके साथ जमात पढ़ सकते हैं? यहाँ तो हर मस्जिद में मुख्तलिफ शिल्पों के लोग हैं। कोई कंपनी कोई बात है हमारी कंपनी में, हमारी कंपनी में क्यों गुजरेगा? यहाँ तो हर मस्जिद में हनफी भी है, शाफी भी है, मालिकी भी, अंबली भी है, अहले हदीस भी है, तो फिर ये कंपनी भी क्यों गुजरेगा? क्या हम इनके साथ जमात पढ़ सकते हैं? नजीर जमाते हुए यूं मसला पूछो कि इमाम पुनः फिरते क्या है, हम उसके पीछे पढ़ सकते हैं या नहीं, तो फिरता मुतयन करो तो जवाब दिए जाए। मुक्तदियों में मुख्तलिफ फिरकों के लोगों के होने से कोई असर नहीं पड़ता, अगर इमाम सही तो मुक्तदी में कोई भी होता हो।